Hello everyone, are you looking for current affairs based material? So here we are. Millennium Education presents the current affairs capsule August 2020. आप सभी को पता होगा कि हमने दो पार्ट करेंट अफेयर्स अगस्त के ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड किए हैं. दिस इज़ द लास्ट पार्ट इंक्लूडिंग द 10 डेज करेंट अफेयर्स और लास्ट 10 डेज ऑफ अगस्त एंड दिस इज़ गोइंग टू हेल्प एवरी सेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स जो जिस भी फील्ड में प्रिपरेशन कर रहे हैं सबको हेल्प करेगा बिकॉज एज यू नो दैट द गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू टेक योर एग्जाम्स और CHSL का भी रूटीन आ गया है जो कि 12th अक्टूबर से आपके 26 अक्टूबर के बीच में होने वाला है. सो बी प्रिपेयर्ड और इसी के लिए आपका टोटल करेंट अफेयर्स की जिम्मेदारी हम लेते हैं और आपको बेस्ट करेंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाएंगे. तो इस वीडियो को एंड तक देखें, पार्ट वाइज देखें और अच्छे से समझ करके देखें बिकॉज इसमें सारे इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं. सो लेट अस स्टार्ट आवर सीरीज विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. सो आवर सेक्शन जो कि हमारा पहला सेक्शन हमेशा से स्पोर्ट्स का होता है. सो द थर्ड वीक करेंट अफेयर्स पहले हम डिस्कस करेंगे. फिट इंडिया रन वुड बी ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स फ्रॉम 5th अगस्त टू 2nd अक्टूबर. सो फिट इंडिया रन जो है स्पोर्ट्स ऑफ मिनिस्ट्री जो है ऑर्गेनाइज करेगी 15 अगस्त से 2nd अक्टूबर और इसे अनाउंस किया किरण रिजिजू ने जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं. नेक्स्ट MS Dhoni and Suresh Raina retired from international cricket. Raina was the first batsman in the world and the first in India to hit T20 century. और MS Dhoni के बारे में जो भी बोला जाए कम है. MS Dhoni ने ICC के तीनों चैंपियंस ट्रॉफी और T20 ट्रॉफी और 50-50 जो मैचेस होते हैं ICC के वो तीनों ट्रॉफी जीते हैं महेंद्र सिंह धोनी ने. नेक्स्ट पार्ट, आइनोक्स ग्रुप हैज़ बिकम ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ इंडियन टीम फॉर टोक्यो ओलंपिक्स. सो आइनोक्स ग्रुप बिकेम द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स. नेक्स्ट, ऑन द ओकेजन ऑफ 74th इंडिपेंडेंस डे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिल करके ई पाठशाला एक वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जो कि रिकॉग्नाइज करेगा क्रिएटिविटी ऑफ द चिल्ड्रन टू डेवलप इंटरेस्ट इन फुटबॉल. सो ये फुटबॉल के इंटरेस्ट जगाने के लिए ये पाठशाला लॉन्च किया गया है बाय AIFF एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, लुइस हैमिल्टन वॉन 156th पोडियम टाइटल एज ही फिनिश द टॉप स्पॉट इन स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स. यानी लुइस हैमिल्टन ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है. इससे पहले भी उन्होंने टुस्कन ग्रैंड प्रिक्स जीता है, अदर ग्रैंड प्रिक्स भी जीते हैं, वो आपको याद रखना है. नेक्स्ट, इंडियाज लिमिटेड ओवर कैप्टन रोहित शर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द स्पोर्ट्स आईवेयर ब्रांड ओकली. सो ओकली का जो दो साल का नेक्स्ट टू ईयर्स का जो ब्रांड एम्बेसडर होंगे वो होंगे हमारे रोहित शर्मा. नेक्स्ट, ड्रीम इलेवन वॉन IPL टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स. यानी ड्रीम इलेवन जो है मेन स्पॉन्सर है IPL का. IPL अभी चल रहा है, आप सब देख रहे होंगे. इसके अलावा अन अकेडमी इज ऑल्सो द स्पॉन्सर ऑफ द IPL 2020. नेक्स्ट, इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा एंड विनेश फोगट द रेसलर विनेश फोगट द टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा देन पैरालंपियन M Thangavelu एंड इंडियन हॉकी टीम कैप्टन रानी रामपाल. दीज 5% हैव बीन रिकमेंडेड फॉर द इंडियाज हाइएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020. और इसके अलावा 27% को इस साल सेलेक्ट किया गया है फॉर अर्जुना अवार्ड्स. सो ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट पार्ट जो कि फोर्थ वीक में आ जाते हैं हम, द इंग्लिश प्रोफेशनल रॉनी ओ सुलिवन जो कि इंग्लिश प्रोफेशनल स्नूकर प्लेयर हैं वो इस साल वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप 6 times उन्होंने जीता है जो कि 2020 बेडफोर्ड वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप जीतने के बाद ये 6th टाइटल है उनका. नेक्स्ट, लेजेंडरी साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर जैक स्केलिस एंड बैटिंग द बैट्समैन जहीर अब्बास फ्रॉम पाकिस्तान एंड द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर लीसा स्थालिकर जो कि फीमेल क्रिकेटर हैं, वुमेन्स क्रिकेटर हैं, वो इस साल ICC काउंसिल ऑफ हॉल ऑफ फेम में नॉमिनेट हुए हैं वर्चुअली. सो इन तीनों का नाम आपको याद रखना है. नेक्स्ट पार्ट इज बैन मुनिचिन वॉन UEFA चैम्पियंस लीग आफ्टर डिफीटिंग PSG इन द फाइनल्स. नेक्स्ट,
ऑलराउंडर कैमरन वाइट हैज रिटायर्ड फ्रॉम दी ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, और ये ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते थे। नेक्स्ट, जर्मन फुटबॉलर, जर्मन गोल्फर सोफिया पोपोव। सो जो जर्मन के गोल्फर हैं सोफिया पोपोव, उन्होंने पहली बार वुमेन्स ब्रिटिश ओपन टाइटल जीता है 2020, और ये पहली फीमेल गोल्फर हैं फ्रॉम जर्मनी टू वॉन दिस टाइटल। नेक्स्ट, इंडिया की टेबल टेनिस प्लेयर पौलोमी घटक, जो कि मोस्ट सक्सेसफुल टेबल टेनिस प्लेयर थी, वो उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया एट द एज ऑफ 37। तो इनका प्रोफेशन आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इंग्लैंड पेसर जेम्स एंडरसन हैज़ बिकम द फर्स्ट फास्ट बॉलर इन द हिस्ट्री टू टेक 600 टेस्ट क्रिकेट विकेट। सो इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन ने अपना नाम दर्ज किया है उन चार लेजेंडरी बॉलर्स में जिन्होंने 600 विकेट अब तक लिए, जिनमें तीन श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन, ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉन और इंडियन क्रिकेटर अनिल कुंबले हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स किरण रज्जू, जो कि उसके मिनिस्टर हैं, उन्होंने अनाउंस किया कि इंडिया इज़ प्लानिंग टू होस्ट द ब्रिक्स गेम्स 2021, और इंडिया ब्रिक्स गेम्स 2021 ऑर्गेनाइज करेगा सेम वेन्यू पे जहां पर खेलो इंडिया गेम्स ऑर्गेनाइज होगा। ये आपको याद रखना है, और ये ब्रिक्स मेंबरशिप के टाइम में, ये ब्रिक्स मिनिस्ट्री मीटिंग के टाइम में इन्होंने अनाउंस किया, और इस साल फर्स्ट ब्रिक्स स्पोर्ट्स मिनिस्टर मीट हुआ, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, द फिफ्थ वीक स्पोर्ट्स करेंट अफेयर्स इज एसोसिएशन ऑफ इंडियन फुटबॉल कोचेस एंड फुटबॉल कोचेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों कोचेस जो एसोसिएशन है, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टू डेवलप द डेवलपमेंट ऑफ फुटबॉल इन बोथ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, यानी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में फुटबॉल के डेवलपमेंट के लिए और मोर वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन कोचेस, उसके लिए इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। नेक्स्ट, वेस्ट इंडीज ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो, इन्होंने एक हिस्ट्री मेक किया है, ये पहले बॉलर हुए हैं जिन्होंने 500 विकेट्स लिया है T20 क्रिकेट में, ही बिकेम द फर्स्ट बॉलर, और इन्होंने कैरेबियन लीग में ये काम कर दिखाया है। इससे बिलो इनके पीछे जो है लसित मलिंगा हैं, जो सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर है T20 क्रिकेट में, और उन्होंने 389 विकेट लिया है अभी तक। नेक्स्ट, एथलेटिक कोच पुरुषोत्तम राय, जो कि एथलेटिक्स कोच है, इन्हें इस साल द्रोणाचार्य अवार्ड मिलने वाला था बाय द प्रेसिडेंट, बट उनका देहांत हो गया है बाय कार्डियक अरेस्ट एट द एज ऑफ 79। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है, और लाइफ टाइम कैटेगरी में इन्हें ये अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड मिलने वाला था, इसलिए पुरुषोत्तम राय का नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, इंडिया एंड रशिया हैव बिकम द जॉइंट विनर ऑफ फिड ऑनलाइन चेस ओलंपियाड। सो फिड ऑनलाइन चेस ओलंपियाड के जॉइंट विनर हैं इंडिया और रशिया, सो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पार्ट पे चले आते हैं हम लोग, जो कि होगा नेशनल न्यूज़ का। सो देखते हैं हम नेशनल न्यूज़ का पार्ट। एज पर द ब्लूमबर्ग बिलीनियर्स इंडेक्स, अंबानीज नेटवर्थ इज़ नाउ 18.2 बिलियन, और अंबानी का जो नेटवर्थ है वो क्रॉस कर चुका है 80.2 बिलियन, ये आपको याद रखना है। और अंबानी जो है अभी फोर्थ मोस्ट रिचेस्ट पर्सन हो चुके हैं। ए थ्री जज बेंच बाय सुप्रीम कोर्ट हेडेड बाय जस्टिस अरुण मिश्रा, एसए अब्दुल नज़ीर एंड मुकेश कुमार ऋषिक भाई शाह, दैट इज एमआर शाह, गिव लैंडमार्क जजमेंट दैट डॉटर्स विल हैव इक्वल इनहेरिटेंस राइट एज द सन्स। सो ये जो है ये मेनली हुआ है हिंदू सक्सेशन एक्ट को अमेंड करने के, उसमें एक अमेंडमेंट लाने के बाद ये जो है ये पास हुआ है लॉ, जो के जिसके लिए वर्डिक्ट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सो इनका जो हेड थे, इस बेंच के जो हेड थे जस्टिस अरुण मिश्रा, उनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, गोवाज हर्मल चिलीज, मोयरा बनानाज एंड खजे ट्रेडिशनल स्वीट्स, ये हर्मल चिलीज, मोयरा बनानाज एंड खजे ट्रेडिशनल स्वीट, इन्हें GI टैग मिला है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट आता है, ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल यूथ डे एंड जन्माष्टमी, कैप्टन अमरिंदर सिंह द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब है लॉन्च पंजाब स्मार्ट कनेक्शन स्कीम, और ये जो है फ्री स्मार्टफोन प्रोवाइड करेगा टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो ये आपको याद रखना है, मेनली बेनिफिशरीज होंगे जो बैकवर्ड क्लास के स्टूडेंट्स होंगे। नेक्स्ट आते हैं,
इंडिया एम टू अचीव जीरो रोड फैटलिटीज बाई 2030। नितिन गडकरी ने ये अनाउंस किया है कि 2030 तक नो रोड फैटलिटीज होगा। ठीक, नेक्स्ट, उड़ीसा हैज रिटेन टॉप पोजीशन इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अमृत स्कीम फॉलोड बाई चंडीगढ़ तेलंगाना। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर्स का रिपोर्ट है। नेक्स्ट, पीएम मोदी अनाउंस दैट द ऑप्टिकल फाइबर लिंकिंग प्रोजेक्ट फॉर लक्षद्वीप आइलैंड्स ऑन द ओकेजन ऑफ 74th सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। तो ये आपको याद रखना है, आफ्टर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स द ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी स्कीम इज लॉन्च फॉर लक्षद्वीप आइलैंड्स। नेक्स्ट आते हैं, फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम हैज बीन फुल्ली ऑटोमेटेड वेब बेस्ड टूल वॉज लॉन्च इन बाई तेरी। और ये NDRF नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर गुवाहाटी आसाम में लॉन्च किया गया है बाई तेरी। ये फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम है। नेक्स्ट, द PM मोदी लॉन्च नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन ड्यूरिंग द 74th इंडिपेंडेंस डे। और इन्होंने कहा कि इस स्कीम के जरिए एवरी सिटीजन इज टू गेट ए हेल्थ कार्ड। सो ये हेल्थ कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा हर सिटीजन को अंडर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। नेक्स्ट, सेंटर वाटर कमीशन अलॉन्ग विद द गूगल हैज़ लॉन्च फ्लड फोरकास्टिंग इनिशिएटिव। और ये सेंट्रल वाटर कमीशन जो है 1945 में बना था, गूगल के साथ कोलोब्रेशन इसने किया है। और ये एक इनिशिएटिव है दैट अलर्ट्स कैन बी सेंट टू द पब्लिक रिगार्डिंग फ्लड सिचुएशन इन द रीजन। ओके, सो ये फ्लड सिचुएशन बताने का एक स्कीम लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्च सृजन एन ऑनलाइन पोर्टल टू प्रमोट इंडिजिनेशन ऑफ द डिफेंस प्रोडक्शन। सो ये सृजन पोर्टल मेनली होगा, समझ लीजिए कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के लिए और इंडिजिनेशन ऑफ द डिफेंस प्रोडक्शन के लिए। ओके, सृजन पोर्टल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी हैज़ बीन लॉन्च बाई यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। ओके, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का एक एकेडमी लॉन्च किया गया है, स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इसे लॉन्च किया था गजेंद्र सिंह शेखावत ने। नेक्स्ट, फोर्ब्स मैगजीन हैज़ रिलीज हाईएस्ट पेड एक्टर ऑफ 2020 लिस्ट। इस लिस्ट के मुताबिक इंडिया के अक्षय कुमार, उन्होंने 6th पोजीशन हासिल किया है इस टोटल हाईएस्ट पेड एक्टर लिस्ट में। और टॉप मोस्ट पोजीशन पे हैं डाउनी जॉनसन, जिन्हें द रॉक के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप जान ले, डाउनी जॉनसन जो है मोस्ट फॉलोड पर्सन है इन इंस्टाग्राम। ओके, ये मेन एक्टर हैं। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर श्री एस डी डी वी सदानंद गौड़ा हैज़ लॉन्च द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइस मॉनिटरिंग रिसोर्स यूनिट एट कर्नाटक। सो प्राइस मॉनिटरिंग रिसोर्स यूनिट कहाँ लॉन्च हुआ है? कर्नाटक में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं हमारे मेन पार्ट पे, Amazon.com Inc. यानी Amazon कंपनी इंडिया वाली, यानी Amazon इंडिया ने ऑनलाइन फार्मेसी इन इंडिया लॉन्च किया है टू सर्व द कर्नाटक सिटी ऑफ बेंगलुरु। यानी बेंगलुरु में ऑनलाइन फार्मेसी सिस्टम स्टार्ट किया है। ये पहली ई कॉमर्स कंपनी है जिसने बेंगलुरु सिटी में ये स्कीम ऑनलाइन फार्मेसी स्टार्ट किया है। नेक्स्ट, द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन गोवा इन नवंबर 2020 एज पर द शेड्यूल। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर रिसेंटली अनाउंस दैट इंडिया रैंक्स इन ऑर्गेनिक फार्मिंग एट द टॉप पोजिशन। यानी टॉप पोजिशन पे है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का डेटा है। इंडिया रैंक्स 9th इन टर्म्स ऑफ एरियाज अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग, और सिक्किम वॉज द फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड टू बिकेम कम्प्लीटली ऑर्गेनिक। तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। नेक्स्ट आते हैं, पंजाब हैज अचीव द फर्स्ट रैंक इन ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। सो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में फर्स्ट रैंक पंजाब ने हासिल किया है एज पर द लेटेस्ट रैंकिंग ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ लॉन्च दैट, उन्होंने ये बताया कि ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे को नाम दिया जाएगा श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेसवे। ओके, सो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे चंबल एक्सप्रेसवे का नाम दिया जाएगा, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। नेक्स्ट, एज पर द पार्ट ऑफ 111 किलोमीटर लॉन्ग जीरीजम
by Tupul Imphal Line project or India's Northeast Railway Zone is constructing world's tallest pier bridge. So India ke Northeast Frontier Railway Zone ne world's tallest pier bridge launch kiya hai jo ke 141 meter long hai aur ye mainly river Ijai in Manipur pe banaya ja raha hai aur ye complete ho jayega 2022 tak. Isse pehle abhi tak ek bridge hai jo Montenegro mein hai jo ke abhi tak ka sabse bada pier bridge hai. Next, the government of United Kingdom has launched a 3 million euro 3 million innovation challenge fund 2020 in India to support scientists in academia and industry to tackle COVID-19. So 3 million ka innovation challenge fund launch kiya hai United Kingdom ne in India. Okay, ye aapko yaad rakhna. Next, Ministry of Tribal Affairs health and nutrition portal called Swasth, ek Swasth portal launch kiya hai Ministry of Tribal Affairs ne, and also launched Alekh, a e-news letter on health and nutrition. So Alekh jo ki ek e-news letter hai aur nutrition portal hai Swasth, Ministry of Tribal Affairs ke jariye. Next, Ministry of Home Affairs approved the renaming of Manduadi rail station in UP as Banaras. So Manduadi railway station in UP will be renamed as Banaras. Ye Ministry of Home Affairs ka decision hai. Next, Chairman of Ahmedabad Municipal Corporation Standing Committee Amul Bhatt announced that Gujarat ka do flyover bridge in Ahmedabad city will be renamed after Arun Jaitley and Sushma Swaraj. So Gujarat ke do flyover project hai Ahmedabad city ke, jinka naam Arun Jaitley aur Sushma Swaraj ke naam pe rakha jayega. Next, Draupadi Murmu jo ki governor hain Odisha ki, Jharkhand ki, और वहां के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने झारखंड की न्यू स्टेट एम्ब्लेम को लॉन्च किया ऑन 15 अगस्त 2020. सो वेस्ट बंगाल का नियरेस्ट जो नेवर है उसका न्यू स्टेट एम्ब्लेम लॉन्च किया गया है. नेक्स्ट, रविशंकर प्रसाद यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉन्च स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज. सो स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज लॉन्च किया गया है बाय रविशंकर प्रसाद और ये इनोवेट सॉल्यूशन फॉर आत्मनिर्भर भारत है टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर स्टार्टअप्स. ओके, नेक्स्ट, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड सेटअप ऑफ नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी. ये आपको पता होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो पास हुआ है उसमें एक नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी सेटअप किया जाएगा जो कि मेनली कंडक्ट करेगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे फोर्थ वीक के करंट अफेयर्स पे जो नेशनल न्यूज के हैं. अर्जुन मुंडा मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स लॉन्च टर्शरी प्रोसेसिंग सेंटर्स और ट्राईफूड प्रोजेक्ट, जो कि ट्राईफूड प्रोजेक्ट का टर्शरी प्रोसेसिंग सेंटर है इन रायगढ़ एंड जगदलपुर छत्तीसगढ़ में. इन्होंने लॉन्च किया है टर्शरी प्रोसेसिंग सेंटर्स ऑफ ट्राई फूड प्रोजेक्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, कहाँ पर, रायगढ़ इन महाराष्ट्र एंड जगदलपुर इन छत्तीसगढ़, इन दो जगह पर टर्शरी प्रोसेसिंग सेंटर लॉन्च किया जाएगा. नेक्स्ट, हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह लॉन्च ईट राइट इंडिया मूवमेंट ऑफ FSSAI और उसका एक रेफरेंस बुक भी, हैंडबुक भी लॉन्च किया गया है. सो ये मूवमेंट आपको याद होगा, ये एक साल पहले का है ईट राइट इंडिया मूवमेंट, और इसके अकॉर्डिंग 50 मीटर ऑफ द स्कूल एरियाज़ में कोई भी फास्ट फूड्स नहीं बिक्रे किए जाएंगे, ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अटेंडेड द इनॉग्रल सेरेमनी ऑफ द 5th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट, और ये वर्चुअल मोड में हुआ. ठीक है, और इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन जेनेवा और पार्लियामेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों ने यूनाइटेड नेशन के इस प्रोग्राम को सपोर्ट किया, ये आपको याद रखना है. ये जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया था बाय दीज टू ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट, इन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश यूनिक कैंपेन एक संकल्प बुजुर्गों के नाम वॉज लॉन्च्ड इन द छत्रपुर पुलिस, और ये छत्रपुर पुलिस ने लॉन्च किया है एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, और पेंडेमिक के लिए ये मेनली. सो गूगल हैज़ लॉन्च्ड एंड्रॉयड ऐप कॉल्ड कॉर्मोजॉब्स.
सो ये गूगल का एक इनिशिएटिव है कॉर्मोजॉब्स, जो मेनली जॉब सीकर्स को हेल्प करने के लिए बनाया गया है, ताकि वो अप्लाई कर सके फॉर जॉब्स, डिफरेंट जॉब्स इन अक्रॉस इंडिया. नेक्स्ट, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड हरित पथ. और ये जो ऐप होगा हरित पथ, ये मॉनिटर करेगा प्लांटेशन अक्रॉस द नेशनल हाईवेज. नेक्स्ट, मध्य प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू ऑफर जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूली अप्रूव्ड कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि मैंने पहले ही बताया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट है. नेक्स्ट, रमेश चंद्र टास्क फोर्स, जो कि नीति आयोग ने बनाया था, उन्होंने रिकमेंड किया है टू लिंक द शुगर प्राइसेस विथ शुगर रेट्स. ठीक है. नेक्स्ट, साउदर्न रेलवेज ऑफ द इंडियन रेलवेज, जो साउदर्न रेलवे जोन है इंडियन रेलवेज का, उन्होंने रो रो सर्विस कंडक्ट किया. नेक्स्ट, नुखाई जौहर, जो कि नुखाई पर्व के नाम से भी जाना जाता है, ये एक एंशियंट फेस्टिवल है जो कि फिफ्थ डे ऑफ लूनर फोर्टनाइट को मनाया जाता है, और मेनली इन ओडिशा एंड छत्तीसगढ़, दीज टू स्टेट्स मेनली सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल, और ये न्यू क्रॉप सीजन के लिए मनाया जाता है. नेक्स्ट, इंडिया का लॉन्गेस्ट रोपवे ब्रिज लॉन्च किया जाएगा ब्रह्मपुत्र रिवर आसाम में, और ये मेनली 1.1 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज होगा, जो कि कनेक्ट करेगा गुवाहाटी एंड नॉर्थ गुवाहाटी को. नेक्स्ट, ट्राइब्स इंडिया शोरूम हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय अर्जुन मुंडा ऑन LIC वेस्टर्न जोनल ऑफिस इन फोर्ट मुंबई. नेक्स्ट, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय द ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडिया का पहला 30 मेंबर नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन बनाया है, जिसके हेड होंगे थवर चंद गहलोत, जो के सोशल जस्टिस मिनिस्टर हैं, और ये पहला 30 मेंबर पैनल होगा नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी. और इसको इसलिए बनाया गया है ताकि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का जो के उनका प्रोटेक्शन और उनका राइट्स जो है उसको मेनली प्रमोट किया जा सके. नेक्स्ट, केरला स्टेट ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल, जिसको और एक नाम से जाना जाता है थुम्बी महोत्सव 2020, ये लॉन्च किया है WWF, दैट इज वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने. ओके, और इसका एक मैस्कोट है जिसका नाम है पंटालू, जो कि एक ड्रैगन है, तो ये आपको याद रखना है. टाटा ग्रुप हैज़ रिसेंटली लॉन्च ए न्यू ऐप कॉल्ड सुपर ऐप. मेनली ये क्या करेगा सुपर ऐप, दिस इज टू ब्रिंग टूगेदर द कंट्री डिस्परेट सेल सेक्टर टू ऑफर रेंज ऑफ कंज्यूमर गुड्स. ये मेनली सेल सेक्टर को लाएगा टू ऑफर कंज्यूमर गुड्स. ओके, नेक्स्ट, द फिफ्थ वीक, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल हैज़ लॉन्च नेशनल GIS इनेबल्ड लैंड बैंक सिस्टम फॉर 6 स्टेट. और ये जो लैंड बैंक सिस्टम फॉर 6 स्टेट लॉन्च किया गया है, ये मेनली जो है इंडस्ट्रियल डेटा को कन्फाइन करेगा एक जगह पे, ताकि बहुत ही आसानी से एसेसिबिलिटी हो सके इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन में. नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म श्री प्रहलाद सिंह पाटिल, उन्होंने 7 new circles ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लॉन्च किया है इन आसनसोल वेस्ट बंगाल में. नेक्स्ट, इंडियन रेलवेज इज सेट टू मीट इट्स एनर्जी कंजम्पशन और विच विल बी ओवर बाई 33 billion यूनिट्स बाई 2030. सो इंडियन रेलवेज ने एक लिमिट बनाया है जो इसका एनर्जी कंजम्पशन होगा 33 billion यूनिट्स बाई 2030. नेक्स्ट, वर्ल्ड क्लास स्किल्ड यूनिवर्सिटी इज़ टू बी लॉन्च इन मंगलदोई दरंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम. ये किस जरिया से हुआ है, ये मेनली आसाम स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बिल जो पास किया गया है उसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड स्किल यूनिवर्सिटी जो है लॉन्च किया जाएगा इन आसाम, और ये प्रोजेक्ट है टोटली फाइनेंस बाई एशियन डेवलपमेंट बैंक. नेक्स्ट, केरला चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन, इन्होंने स्टेट का पहला फुल्ली इक्विप्ड मरीन एम्बुलेंस प्रतीक्षा लॉन्च किया, और ये जो फुल्ली इक्विप्ड मरीन एम्बुलेंस है प्रतीक्षा, ये कोचिन शिपयार्ड ने बनाया है. नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर ने इरादा कैंपेन लॉन्च किया, जो कि लेफ्ट आउट बेनिफिशरीज को इंक्लूड करना चाहता है, जो कि सोशल वेलफेयर स्कीम से लेफ्ट आउट हैं उन्हें इंक्लूड करेगा फॉर सोशल वेलफेयर स्कीम्स. सो जम्मू कश्मीर हैज़ लॉन्च इरादा कैंपेन. नेक्स्ट,
Kerala will set up India's first international women trade center in accordance with the sustainable development goals. So ye jo first international women trade center launch kiya jayega of United Nation, ye launch kiya jayega in Kochi, Kerala mein. Next, Delimitation Commission headed by Ranjana Desai is to visit Northeast States and Jammu and Kashmir. So Jammu and Kashmir aur Northeast State ka jo delimitation hoga, ye uski head hongi Justice Ranjana Desai. Next, Arunachal Pradesh State Government passed the resolution to bring the state under schedule 6 of the Indian Constitution. So aapko pata hoga ki do schedules hai. Schedule 6 mein ye char states aate hain: Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram, aur Arunachal Pradesh usme aane ki koshish kar raha hai. इंटरनेशनल न्यूज़ का इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, यूनिफाइड चैम्पियंस स्कूल, ये एक प्रोजेक्ट है बाय द क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान का. उन्होंने कमिट किया है $25 मिलियन फॉर मेनली टू एम टू एम्पावर द इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड चिल्ड्रन इन द सिक्स कंट्रीज. उस सिक्स कंट्रीज़ में इंडिया भी एक पार्ट है और ये 25 मिलियन उस पर खर्च किया जाएगा. नेक्स्ट, European Union will provide 1.65 million euros in humanitarian aid funding to support the flood victims of South Asia. और इसमें बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल को ये फंड जो है प्रोवाइड किया जाएगा अंडर द अलर्ट स्कीम ऑफ यूरोपियन यूनियन. नेक्स्ट आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज अनाउंस्ड ए पीस डील बिटवीन द इजराइल एंड यूएई, जिसे इब्राहिम अकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है. एंड इजिप्ट वॉज द फर्स्ट अरबियन नेशन टू साइन द पीस डील बिटवीन इजराइल. पीस डील साइन किया था इजराइल के साथ में इजिप्ट ने. अभी इसके बाद बहरीन ने भी ये अकॉर्ड साइन कर लिया है. नेक्स्ट, यूरोपियन यूनियन हैज़ लॉन्च निर्मन श्री प्रोजेक्ट इन इंडिया. और ये जो प्रोजेक्ट है ये मेनली वुमेन स्किल टुवर्ड्स द हाउसिंग सेक्टर और हाउसिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर इन इंडिया के ऊपर लॉन्च किया गया है. ये मेनली उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र और धनेकल एंड जजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में इम्प्लीमेंट किया जाएगा. नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम हैज़ लॉन्च 3 यूरो मिलियन इनोवेशन चैलेंज फंड 2020 इन इंडिया. ये पहले ही मैंने बता दिया. नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. फोर्थ वीक में द टर्किश प्रेसिडेंट रेसेप तैयब अर्दोगान, इन्होंने डिस्कवर किया है, इन्होंने बताया कि तुर्की ने डिस्कवर किया है लार्ज नेचुरल गैस रिजर्व इन ब्लैक सी कोस्ट. नेक्स्ट, इंटरपोल ने एक रेड नोटिस जारी किया है अगेंस्ट अमी मोदी. जो अमी मोदी हैं वो वाइफ ऑफ नीरव मोदी हैं, जो कि जिनके खिलाफ फ्रॉडलेंट चार्ज है. नेक्स्ट, बांग्लादेश गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रिलोकेट द रोहिंग्याज पीपल, और इन्हें मेनली बसंचर आइलैंड पे शिफ्ट किया जाएगा मेनली टू प्रोवाइड ए बेटर प्लेस फॉर लिविंग ऑफ द म्यांमार रिफ्यूजी पीपल्स. नेक्स्ट, द इंडियन पवेलियन एट आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम, ये जो लॉन्च किया गया है इंडियन पवेलियन, ये लॉन्च किया गया है मॉस्को रशिया में. नेक्स्ट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड वाइल्ड पोलियो फ्री, ये लॉन्च किया है, ये मेनली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉग्नाइज कर लिया है बिकॉज ये सर्टिफिकेशन अफ्रीकन रीजनल सर्टिफिकेशन कमीशन ने दे दिया है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट टोटली वाइल्ड पोलियो फ्री हो गया. नेक्स्ट, रशिया रिलीज 40 मिनट वीडियो ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन बम, और रशिया ने ये वीडियो सिर्फ ये दिखाने के लिए पेश किया कि ये जो हाइड्रोजन बम होगा ये 3,333 टाइम्स मोर पावरफुल दैन द हिरोशिमा एंड नागासाकी एटॉम बम अटैक से भी ज़्यादा डिस्ट्रक्टेबल होगा. नेक्स्ट पार्ट में आते हैं. जेफ बेजोस अमेजन सीईओ बिकेम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू हिट ए नेटवर्थ ऑफ 200 बिलियन, और ये वर्ल्ड के पहले पर्सन हैं. नेक्स्ट, इंडिया को स्पॉन्सर्ड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स रेजोल्यूशन फॉर ग्रेट पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पीस कीपिंग फोर्सेज, और ये मेनली रेजोल्यूशन जो है ये पुट फॉरवर्ड किया गया था बाय इंडोनेशिया, और इंडिया जो है फिफ्थ लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटर टू है यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स में. नेक्स्ट,
UAE government has launched AgriOTA, new technology-driven agriculture commodity trading platform, which will bridge rural farmers from India and Gulf food industry. So, AgriOTA platform launch किया है UAE government ने. Next part में अब हम लोग आ जाते हैं. So, important appointments of the August. Pramod Basin has been appointed as the new chairman of the Indian Council for Research on International Economic Relation and he replaced Judge Ahluwalia, Isser Judge Ahluwalia. Next, India Bulls Housing Finance Limited has appointed S.S. Mundra, the former Deputy Governor of RBI, as the non-executive chairman. Next, E-Bike Go, जो अमृतसर बेस्ड एक मोबिलिटी स्टार्टअप है, उसने हरभजन सिंह को ब्रांड एम्बेसडर अपना अपॉइंट किया है फॉर ए ईयर. नेक्स्ट, शोभा मंडल हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सो शोभा मंडल. नेक्स्ट, वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी हैज बीन अपॉइंटेड एज द डीजे ऑफ नेवल ऑपरेशन, सो नेवल ऑपरेशन के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी. नेक्स्ट, द इंडियन आइडल सीजन 11 फाइनलिस्ट एंड ऑस्कर नॉमिनेटेड सिंगर सहजान मुजीब, सो सहजान मुजीब बिकेम द फर्स्ट एवर नेशनल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अलीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन फॉर स्वच्छ भारत अभियान कैंपेन. नेक्स्ट, सत्यपाल मलिक वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ मेघालय और सत्यपाल मलिक जो है पहले गवर्नर ऑफ गोवा थे, तो गवर्नर ऑफ गोवा का फंक्शन एडिशनल फंक्शन डिस्चार्ज करेंगे अब से गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र जो कि है भगत सिंह कोशियारी. नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट ने मेनली राकेश अस्थाना को अपॉइंट किया है एज द डीजी ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इन एडिशन टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड. नेक्स्ट, अशोक लवासा हैज गिवन इट्स रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है. सो अशोक लवासा जो कि अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे. नेक्स्ट, माली प्रेसिडेंट इब्राहिम बुबाकर कीटा हैज़ अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन और इनके जगह पे इंटरिम प्रेसिडेंट जो कि सितंबर में अभी बनने वाले हैं बाह डाऊ. नेक्स्ट, द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड जीपी गर्ग एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. नेक्स्ट, फ्रांसिस्को एसू हैज वॉज री अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इक्वेटोरियल गेनिया और इक्वेटोरियल गेनिया का कैपिटल है मलाबो. नेक्स्ट, फॉर्मर फिनांस सेक्रेटरी राजीव कुमार वॉज अपॉइंटेड एज द इलेक्शन कमिश्नर. सो हमारे जो हैं अशोक लवासा के रिटायरमेंट के बाद रेजिग्नेशन के बाद राजीव कुमार को इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है. नेक्स्ट, अश्वनी भाटिया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. सो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें सेलेक्ट किया है. नेक्स्ट, रेनाउंड इंडियन साइंटिस्ट जी सतीश रेड्डी हैज़ बीन गिवन 2 ईयर एक्सटेंशन एज द चेयरमैन ऑफ DRDO. नेक्स्ट, फिफ्थ वीक के करेंट अफेयर्स में देख लेते हैं. टिकटॉक CEO केविन मेयर अनाउंस हिज रेजिग्नेशन. देन सिंजो एवे जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान रह चुके हैं, उनकी हेल्थ कंडीशन वीकेंड होने की वजह से उन्होंने अपने रेजिग्नेशन दे दिया है. नेक्स्ट, लेबनान एम्बेसडर मुस्तफ़ा अदीब इज सेट टू बिकम द कंट्रीज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर. नेक्स्ट, अब आते हैं हमारे अवार्ड एंड ऑनर्स में. सो अवार्ड्स एंड ऑनर्स, सो द फर्स्ट अवार्ड इज द चेयरमैन ऑफ इन्फोसिस फाउंडेशन सुधा मूर्ति और ग्रुप हेड ऑफ द ITC बिजनेस लिमिटेड शिव कुमार सुरमपुड़ी हैज बीन गिवन द विनर्स ऑफ ग्राम उद्या बंधु मित्रा पुरस्कार. सो ग्राम उद्या बंधु मित्रा पुरस्कार के नॉमिनेट किए गए हैं. राधा भाटिया हैज बीन अवार्डेड इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड फॉर हर बुक लस्सी. सो राधा भाटिया को लस्सी के लिए इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड मिला. सो रवि सोलंकी द इंडियन ओरिजिन फिजिशियन, इनको UK रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग प्रेसिडेंट स्पेशल अवार्ड फॉर पेंडेमिक सर्विसेज मिला है. नेक्स्ट,
Soumya Swaminathan on the eve of the 74th Independence Day has been given the Tamil Nadu's Chief Minister Special Award. और ये इसलिए दिया गया है क्योंकि Soumya Swaminathan ने एडवाइजरी रोल प्ले किया टू कॉम्बेट द कोविड 19 पेंडेमिक इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु. नेक्स्ट, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू हैज़ रिलीज्ड अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशंस अचीवमेंट. और इस रैंकिंग में IIT मद्रास ने टॉप किया है और ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का इसे खिताब मिला. नेक्स्ट, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी जो कि उड़ीसा बेस्ड इंस्टीट्यूट है, इसे कैटेगरी ऑफ प्राइवेट एंड सेल्फ फिनांस यूनिवर्सिटीज़ में टॉप रैंक मिला. अब्दुल राशिद कलस हैज़ बिन पोस्टमसली अवार्डेड कीर्ति चक्र अवार्ड बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो अब्दुल राशिद कलस को कीर्ति चक्र अवार्ड मिला. नेक्स्ट, द फोर्थ वीक, विंग कमांडर गजनत यादव हैज़ वॉन तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ ईयर एडवेंचर. सो इन्हें तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 मिला है फॉर ईयर एडवेंचर कैटेगरी गजनत यादव. मेनली तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड इंडिया का हाइएस्ट स्पोर्टिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑनर है. नेक्स्ट, इसी कैटेगरी में एक लैंड एडवेंचर कैटेगरी होता है जिसके लिए अनीता कुंडू जो कि एक माउंटेनर हैं उनको ये अवार्ड दिया गया है. ये पहली वुमेन है टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट बोथ फ्रॉम इंडियन एंड चाइनीज साइड्स. नेक्स्ट, ए शॉर्ट फिल्म MI डायरेक्टेड बाय अभिजीत पॉल हैज़ वॉन ऑनलाइन शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट प्राइज जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अलॉन्ग विद द नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. सो MI डायरेक्टेड बाई अभिजीत पॉल को ये अवार्ड मिला है. नेक्स्ट, US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, इन्होंने अनाउंस किया कि महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा एंड अडोब के चेयरमैन संतनु नारायण विल रिसीव 2020 लीडरशिप अवार्ड क्योंकि इन्होंने US इंडिया स्ट्रेटेजिक बायलेटरल प्राइज को स्ट्रेंथन करने में हेल्प किया. नेक्स्ट, वेटेक वाबोग एक वाटर टेक्नोलॉजी मेजर है जिसने चेन्नई में एक टर्शरी ट्रीटमेंट रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट बनाया और इसीलिए इसे 2020 ग्लोबल वाटर अवार्ड मिला है वेटेक वाबोग को. नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उसकी एक नवरत्ना है NLC इंडिया लिमिटेड जो कि नेवेली तमिलनाडु में है, उसने स्वच्छता ही सेवा 2019 अवार्ड जीता है क्योंकि इसने नेवेली पूरे इंटायर नेवेली सिटी को प्लास्टिक फ्री एंड क्लीन ग्रीन कैंपस में कन्वर्ट कर दिया. नेक्स्ट, इंडियाज नीलाकंत भानु प्रकाश, इन्होंने फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल जीता है इन मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैम्पियनशिप एट माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में जो कि लंदन में ऑर्गेनाइज हुआ था और इन्हें वर्ल्ड फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर का टाइटल मिला बाय विनिंग दिस अवार्ड, नीलाकांत भानु प्रकाश. नेक्स्ट, फिफ्थ वीक के करंट अफेयर्स में जो अवार्ड्स मिले हैं, डच ऑथर मैरीके लुकास रिजनेवेल्ट हैज़ वॉन 2020 इंटरनेशनल बुकर प्राइज और फॉर हिज फिक्शन नोवेल डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग. सो डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए मैरीकस लुकास रिजनेवेल्ट को 2020 इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है. ये यंगेस्ट एवर ऑथर है टू विन द प्राइज एट द एज ऑफ 29. नेक्स्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसीव ब्रैंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट इंडेक्स फॉर इट्स कैंपेन नई दिशा जो कि एक HR इनिशिएटिव है. नेक्स्ट, मिस सुधा पवनोली हैज़ बिन सेलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड फॉर टीचर्स 2020. नेक्स्ट, नूर इनायत खां जो कि एक स्पाई थी ब्रिटेन की वर्ल्ड वॉर टू में, इन्हें जो है ये पहली इंडियन ओरिजिन वुमेन होंगी जिन्हें मेमोरियल ऑफ ब्लू प्लेक से नवाजा जाएगा. ये पहली मुस्लिम वॉर हीरोइन हैं और पहली फीमेल वायरलेस ऑपरेटर हैं जिन्हें UK के एक मिशन पे भेजा गया था जो कि नाजी ऑक्यूपाइड फ्रांस टेरिटरी के लिए और इन ऑर्डर टू एड फ्रांस इन वर्ल्ड वॉर टू के लिए भेजा गया था, नूर इनायत खां. नेक्स्ट,
गणेश विलास लिंगरे एक सोलापुर बेस्ड एक्टिविस्ट हैं जिन्हें स्टार 2020 ई साइटेशन सर्टिफिकेशन अवार्ड से नवाजा जाएगा बाय वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के जरिए फॉर हिज एफर्ट्स टू हेल्प पुअर्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे कोविड 19 अपडेट पर। सो द नेक्स्ट पार्ट कोविड 19 अपडेट। इंडिया एक्सटेंड एन असिस्टेंस ऑफ 1 मिलियन यूएसडी यानी यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स टू गवर्नमेंट ऑफ एंटीगुआ एंड बरबुडा। नेक्स्ट एज अ पार्ट ऑफ इजराइल इंडिया कोऑपरेशन टू फाइट ऑनगोइंग कोविड 19 पेंडेमिक इजराइल ने एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी जो है प्रोवाइड की है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली को। नेक्स्ट यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड एमएसएमई मिस्टर नितिन गडकरी अनवील्ड ए माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्या जो कि डेवलप किया गया है बाय डीएट पुणे। ओके नेक्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपर हैज लॉन्च्ड ए यूवी सेफ ए डिवाइस दैट इज बेस्ड ऑन द अल्ट्रावायलेट जर्मिसाइडल इरेडिएशन। नेक्स्ट वियतनाम हैज रजिस्टर्ड टू बाय द रशियन कोविड 19 वैक्सीन क्योंकि वियतनाम में जो केसेस थे वो दब गए थे और अभी दोबारे कुछ मंथ्स के बाद ये स्टार्ट हो गए हैं दोबारा से होने। रशिया एंड ब्राज़ील हैज साइन एग्रीमेंट और ये मेनली प्रोडक्शन मार्केटिंग ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन ऑफ कोरोना वायरस स्पुटनिक वी के लिए इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया। नेक्स्ट यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑथोराइज द इमरजेंसी यूज ऑफ सेलाइवा बेस्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर कोविड 19। सो सेलाइवा टेस्ट जो है यूनाइटेड स्टेट्स के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अलाउ कर दिया है। इस टेस्ट का नाम होगा सेलाइवा डायरेक्ट। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश हैज स्टॉप्ड इन कंडक्टिंग कोविड 19 टेस्ट इन द कंट्री। नेक्स्ट आते हैं कि फॉरेन सेक्रेटरी का एक स्टेटमेंट आया था द हिंदू में कि अगर इंडिया अपना वैक्सीन बना लेता है तो इंडिया के नेबर बांग्लादेश को प्रायोरिटी प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ वीक के कोविड 19 अपडेट में देखते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू एक्सटेंड 50 लाख इंश्योरेंस कवर टू प्राइवेट डॉक्टर्स हु डाई ड्यू टू कोरोना वायरस इन्फेक्शन ड्यूरिंग पेंडेमिक। नेक्स्ट कर्नाटक गवर्नमेंट इज टू बिल्ड ट्रांजिट होम्स फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। सी ए ट्रांजिट होम्स बनाया जाएगा फॉर बेटर लिविंग ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। नेक्स्ट एंड इनोवेटिव फीचर्स ओपन API सर्विस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन आरोग्य सेतु ऐप टू प्रोवाइड पीपल्स बिजनेस एंड इकोनॉमी इन एफर्ट्स टू रिटर्न टू नॉर्मलसी। नेक्स्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस्ड हेल्थ केयर वर्कर्स आर टू रिसीव कोविड 19 वैक्सीन आफ्टर सीनियर सिटीजन्स यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग सीनियर सिटीजन्स के बाद हेल्थ केयर वर्कर्स को जो है प्रायोरिटी दी जाएगी। नेक्स्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चीफ टेड्रोस एधनॉम अनाउंस दैट 9 कोविड वैक्सीन हैव बीन एडेड टू द कोवैक्स ग्लोबल वैक्सीन फैसिलिटी। नेक्स्ट अहमदाबाद रेलवे स्टेशन लॉन्च्ड बैगेज सैनिटाइजेशन एंड रैपिंग मशीन एट अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। सो बैगेज सैनिटाइजेशन एंड रैपिंग मशीन हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड एट अहमदाबाद रेलवे स्टेशन।